मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा ने सार्क सम्मेलन में भाग न लेने के भारत के फैसले का समर्थन किया है। सार्क सम्मेलन में भारत के हिस्सा न लेने के फैसले के बाद तीन दूसरे देशों ने भी पाकिस्तान में होने वाले इस दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन में शिरकत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सम्मेलन लगभग रद्द माना जा रहा है। ट्विटर पर कम एक्टिव रहने वाले रतन टाटा ने अपने हालिया ट्वीट में लिखा, सार्क सम्मेलन को बॉयकॉट करने के सरकार के फैसले और अन्य सदस्य देशों से मिल रहे समर्थन पर मुझे गर्व है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के इस ट्वीट पर लोगों का भारी समर्थन मिला। इस ट्वीट को 8000 लोगों ने पसंद किया, वहीं इसे करीब 5000 रीट्वीट किया गया। भारत के अलावा सार्क सम्मेलन से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी दूरी बना ली है। ये सम्मेलन नवंबर में होना तय था, जिसका रद्द होना लगभग तय है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान से बिगड़े संबंधों और बॉर्डर पार से बढ़ते हमलों का हवाला देते हुए बुधवार रात पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था।